हेलो, फ्री डांसिंग के जो ऑर्डर्स की जो सीरीज मैं बना रहा हूँ उसका जो ये ऑर्डर नंबर 3 है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक्चुअली ये ऑर्डर तो जो है वो एक मिनट ज़रा। अच्छा, ये जो ऑर्डर बाद में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये मेरा वेरी फर्स्ट ऑर्डर था जब मैंने फाइवर को ज्वाइन किया 1 साल पहले, और 2019 में। तो मेरा जो था ये वेरी फर्स्ट ऑर्डर था जो मुझे कुछ ही दिनों में मिल गया था। तो ये इतना बड़ा ऑर्डर मिलना, जो वो भी न्यूबीज के लिए, तो बहुत बड़ी बात थी। ये ऑर्डर था $200 का, जिसमें एक वेबसाइट को बना के देना था। तो एज ए न्यूबी मेरे लिए जो था ये बहुत ही एक बड़ी अचीवमेंट थी के ऑर्डर को लेना पे, क्योंकि आपकी जब नई प्रोफाइल हो तो आपके ऊपर जो है वो क्लाइंट कॉन्फिडेंस कम करता है। तो उसको कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए आपको कुछ पहले से प्रीवियस वर्क रखना पड़ता है पोर्टफोलियो के फॉर्म में। तो रिक्वायरमेंट्स उसकी जो थी वो वेबसाइट्स के लिए सिंपल ही थी, लाइक उसको एक पर्सनल वेबसाइट चाहिए थी, ठीक है। लेकिन ये था कि इसके पीछे बहुत जो थी वो मेरा इस ये सीन था कि जो चूंकि ये पहली जॉब थी तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, और मिल भी मुझे बहुत जल्द गई थी, तो कभी मेरी ट्रेनिंग चल ही रही थी फ्रीलांसिंग की। तो उसमें ये था कि फिर मैंने ये कुछ दोस्त से हेल्प ली जो वर्डप्रेस वेबसाइट्स का काम कर रहा था। फिर हम दोनों ने उसकी मदद से हम दोनों ने मिलके इसको बनाया था, और जो था वो हमें 5-स्टार रिव्यू भी मिला। और इसके बाद जो मैं आपको ये देखें, ये 200 तो आपको एज अ प्रूफ दिखा रहा हूँ, 200 का था, $160 मुझे मिला, ठीक है। जिसमें से मैंने जो था वो 8,000 जो था वो मैंने अपने दोस्त के साथ शेयर किया। उसका इतनी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन इतनी थी कि उसने मुझे जो था वो एक थीम दिया था, ठीक है। थीम आई थिंक थीम की इंस्टॉलेशन करके दी थी, थीम भी उसने मुझे ढूंढ के दिया था। बस उसकी इतनी ही कंट्रीब्यूशन थी, और चूंकि मुझे उस वक्त इतना आइडिया भी नहीं था, और सीम भी आई थिंक फ्री का ही था या ऐसा का था, लेकिन बात यह है कि उसने मेरी जो है ना वो हेल्प बहुत ज़्यादा की थी। मुझे तो चीज़ों की समझ नहीं थी इस वक्त इतनी ज़्यादा, और मैं नया नया सीख रहा था। तो इस वजह से फिर जो था वो मेरे लिए जो इस ऑर्डर को कैरी करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एट अ टाइम जारी बात है फिर कोई भी आपकी हेल्प नहीं करने के लिए नहीं आता। लेकिन यह है कि फिर अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया था जिसने मेरी हेल्प की, और उसने फिर इसको भी किया, और भी कुछ चीज़ें थी जिसमें उसने मेरी हेल्प की इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एक थीम के अलावा भी। तो बहन से मुराद है कि मैंने उसके साथ भी अपनी जो अर्निंग थी वो पहले शेयर की, ठीक है। और फिर 5-स्टार रिव्यू जो मिला वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट था। आई थिंक मैं भी आपको दिखाता हूँ, स्टार रिव्यू किधर गया, ये था आई थिंक, हाँ ये देखें, वेरी गुड वर्क्स एंड हार्ट एंड वेरी गुड वर्क हार्ट्स एंड मेक्स रिवीजन। तो क्लाइंट भी बहुत अच्छी थी, ठीक है, फीमेल क्लाइंट थी और बहुत ही नाइस क्लाइंट थी, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा वेरी फर्स्ट उनके साथ, ठीक है। जब मुझे ये ऑर्डर मिला था तो मुझे समझ नहीं आ रही थी शायद मैं इसको कंप्लीट कर भी सकूं कि ना कर सकूं। तो माई वॉज थिंकिंग अबाउट कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर, लेकिन मुझे ये भी था कि अगर एक ऑर्डर मेरा हो जाता है तो मेरा जंप लग जाएगा फ्रीलांसिंग में। तो इसलिए ये चीज़ मेरे लिए बहुत मोटिवेशन भी थी। काफ़ी लोगों से उस वक्त मैंने जो था वो कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कह रहे थे कि आपका बजट थोड़ा है, ये है वो है, बहाने सबने लगाए, तो कोई हेल्प नहीं मेरी उस वक्त की किसी ने भी कि इसको मैं बनाने में आपकी हेल्प करूँ। लेकिन ये था कि मैं जिस जहाँ यूनिवर्सिटी में जहाँ जाता था इसको हमारा कोर्स चल रहा था, वहाँ पर ही एक बैच का लड़का जो मुझे मिला, जो उनसे मुझसे सीनियर था, बहुत अच्छा लड़का था, और उसने मेरी हेल्प की। फिर उसके बाद मैंने और उसने मिलके हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे दोनों ने काम किया, वो भी मैं लेटर ऑन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो हम दोनों ने मिलके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे जो है वो काम किया, और हमने कामयाब प्रोजेक्ट्स किए साथ दोनों मिलके। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी अपनी पोजीशन बहुत अच्छी सेट हो गई थी वर्डप्रेस में और सोशल मीडिया मार्केटिंग में। फिर तो फिर मुझे जो थी वो आउटसोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जारी डेफिनेटली स्टार्टिंग में बहुत 90% लोगों के जो है ऑर्डर फेलियर में चले जाते हैं, तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र था कि मेरा जो ये वाला सीन था बहुत अच्छा चला। तो
ये एक स्टोरी भी थी आप लोगों के साथ जो मैंने इस ऑर्डर की फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर की, मोटिवेशंस। और आपको आज बताया कि वो वर्डप्रेस वेबसाइट्स का था ऑर्डर, और वर्डप्रेस वेबसाइट में क्या करना था मैंने, ये वेबसाइट थी एक, मैंने फिर आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसका भी कि किस तरह ये फिर किया हमने। तो उसमें एक थीम हमने लिया, ठीक है, और थीम फ्री भी मिल जाते हैं, कुछ न्यूड थीम होते हैं, ठीक है, लेकिन हमने फ्री वाला लिया था थीम। उसके बाद उसको थोड़ी सेटिंग की, कस्टमाइजेशन किया और उसके साथ मिल गया, ठीक है। अगर तो वर्डप्रेस की सीरीज जो है वो जब आपको मैं बनाऊंगा और आपके लोगों के लिए, शायद अब इस वक्त जब आप वीडियो देख रहे हो तो वो अवेलेबल भी हो, तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा थीम कैटेगरी का। डेफ फिलहाल तो हम ऑर्डर को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो मीन्स कि देखें वर्डप्रेस वेबसाइट्स का भी काम है, और मेरे जैसा न्यूबी ने उस वक्त $200 का ऑर्डर ले लिया था, तो डेफिनेटली जो लेवल 1 सेलर, लेवल 2 सैलर या टॉप रेटेड के सैलर्स हैं वो 300-300, 400-400 का ऐसा भी बड़ा ले सकते हैं ऑर्डर, ठीक है। मैं अब इस वक्त लेवल 2 सैलर हूँ, ठीक है, उस वक्त तो न्यू सैलर था मैं। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी मोटिवेशन वाली और इस तरह की जो वीडियो है आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया, आप लोगों को पसंद आई होगी, और लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस का। आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद यही है कि आप लोग मोटिवेट हों, आप लोगों को अंदाज़ा हो कि हाँ हम लोग भी ये काम कर सकते हैं, और किस फील्ड में काम ज़्यादा है वो भी देखें। आप सब आपके सामने ही है, वर्डप्रेस वेबसाइट्स में आज भी बहुत ज़्यादा काम है, और आप लोग सीखें इसको और इसमें आइएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो दोबारा पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।